महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण को अर्जुन को बताए गए जीवन के रहस्य के लिए भी जाना जाता है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता उपदेश के रूप में संदर्भित करती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन का मूल मंत्र कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी अपने संकल्प से सामना कर सकता है। भगवान कृष्ण ने समय सबसे शक्तिशाली है और कर्म ही पूजा है जैसी कई शिक्षाएं दी हैं। आइए जानते हैं महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए जीवन के वास्तविक मंत्र के बारे में। भगवान कृष्ण से प्रेम के साथ साथ हम जीवन के बुरे चरणों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के गुण भी सीख सकते हैं। एक बार कृष्ण शांति के दूत के रूप में दुर्योधन के पास गए। उन्होंने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया, लेकिन भगवान कृष्ण चुप रहे। भगवान कृष्ण का ये व्यवहार हमें सिखाता है कि हम कोई भी सही फैसला तभी ले सकते हैं जब हमारा दिमाग स्थिर हो और दिमाग शांत हो। क्रोध हमेशा दुख देता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के कई राजाओं को हराया, लेकिन कभी किसी राजा के सिंहासन पर कब्जा नहीं किया। अन्य अच्छे लोगों को वहां सिंहासन पर बिठाया। वो कभी राजा नहीं बने, बल्कि किंग मेकर की भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण ने पांडवों को सलाह देते हुए कूटनीतिक रूप से पूरा युद्ध लड़ा, लेकिन जीत का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। जब कुरुक्षेत्र में शत्रु की सेना युद्ध के लिए तैयार थी, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में से एक है। गीता की उत्पत्ति युद्ध के मैदान में हुई थी। जीवन में अच्छी चीजें तनाव और दबाव में ही होती हैं। मन को शांत रखने का प्रयास कठिन समय से भी अच्छे परिणाम ला सकता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।